हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद टेक्निकल स्किल, दैट इज एडुटेक स्किल। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो है वो लाइव ट्रांसक्रिप्शन है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है, और इसका बेनिफिट्स एंड यूजेस क्या है मैं आज आपको बताऊंगी। सो चलिए जानते हैं लाइव ट्रांसक्रिप्शन क्या है। इसके द्वारा आप कोई भी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो लोग हियरिंग इशू फेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये वाला एप्लीकेशन। अगर आपको फॉरेनर इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, इसके द्वारा आप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब से, कोई वीडियो से या फिर खुद के वॉइस से भी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी टाइप करना नहीं पड़ेगा, आप अपना फेवरेट वीडियो को आप असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या फिर क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है, मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ। Google's new app, Live Transcribe, helps the hearing impaired communicate by performing real-time speech-to-text translation. It's like having an automated note taker in your hand. Using the app, hold the device microphone near the person speaking. Can you tell me how to get to the museum? A transcript appears on the screen. To reply, you can type a response instead of speaking. Can you tell me a little bit about it? Is it popular? This is one of several Google Assistant features designed to help those with unique needs. I'm Francine Black. For more information and direct links, visit techtangotoday.com. आपका फाइल रेडी होने के बाद इसको कॉपी करेंगे, और कैसे मैसेज करना है और इसका कैसे डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। लॉन्ग प्रेस करके आप पहले कंटेंट को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैसेज बॉक्स में जाइए, पेस्ट करके फिर जिसको भी सेंड करना होगा उसको सेंड कर दीजिए। नॉर्मली आप जैसे भी मैसेज करते हैं उस टाइप का मैसेज कीजिए। इसका हम एक वर्ड फाइल बनाते हैं। वर्ड फाइल बनाने के लिए हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो न्यू डॉक्यूमेंट करके उसमें आप इसको पेस्ट कर दीजिए। इसमें जो भी एडिट करना होगा या फिर कोई गलतियां अगर आपको लगे लो वॉइस के कारण कुछ मिस्टेक हो गया है उसको करेक्शन कर लीजिए, और फाइल को सेव करके जिसके लिए आप बनाए थे उसमें यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें कंटेंट को सिर्फ 3 दिन तक रख सकते हैं, इसके बाद ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। सो उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। मैं आज आपको इसका 3 फीचर बताऊंगी। पहला, आप इसमें फॉन्ट छोटा बड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपको इसमें बहुत सारा लैंग्वेज में मिलेगा ये वाला, बट इंडिया का मेरे देखे हुए हिंदी एंड बंगाली, ये 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है। अभी तो उड़िया में नहीं है, मैं भी आगे आ सकता है। तो ये दूसरा फीचर हो गया। देखिए आप यहाँ पे बहुत सारा कंट्री का लैंग्वेज दिख रहा है, आप सेटिंग में जाके चेक कर लीजिए इसको, फिर अपने हिसाब से 2 लैंग्वेज आप इसमें सेट कर सकते हैं। थर्ड वाला फीचर जो है वो आपका कंटेंट सेविंग के लिए है। अगर आपको 3 दिन तक कंटेंट सेव रखना है तो ऑन रखिए, अगर नहीं रखना है तो ऑफ कीजिए। बाकी और 2-3 फीचर और भी इसका है, उसको आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए। अभी हम देखेंगे कि हमारा खुद का वॉइस है ये कैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और इसके थ्रू हम अपना प्रोनाउंसिएशन भी चेक कर सकते हैं। हाय, हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग टुडे? I am free now to talk to you. अभी हम देखते हैं ये हिंदी वर्ड को कैसे कन्वर्ट करता है। इसके लिए मैं सेटिंग पहले से चेंज कर ली हूँ, चलिए देखते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 67,000 के पार। अब तक 2200 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। 20,916 मरीज कोरोना को मात देकर पहुंचे घर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। कहा, बेचैनी की शिकायत के बाद पूर्व पीएम को लाया गया था एम्स, की जा रही है देखभाल।
पीएम नरेंद्र मोदी ने दी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर लोगों को बधाई। कहा, कोरोना से लड़ाई के लिए रिसर्च में जुटे लोगों को सलाम। कोरोना से लड़ाई में तकनीक का बेहद अहम रोल। देश में लागू पूर्णबंदी के बीच आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे करेंगे सभी राज्यों के सीएम से बात। लॉकडाउन पर हो सकती है चर्चा। सरकारी बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला। ये वाला जो पोर्शन है मैं एक न्यूज चैनल से टेक्स्ट में कन्वर्ट की हूँ और फिर इसमें बस थोड़ा थोड़ा 1-2-3 करेक्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं, और एक्यूरेसी लेवल बहुत ही अच्छा है। तो इसको सिलेक्ट करके मैं कॉपी करके एक टेक्स्ट फाइल बना दूँगी, फिर इसमें जो थोड़ा बहुत करेक्शन चाहिए उसको क्रॉस चेक करके आप करेक्ट करके फाइल सेव कर सकते हैं, फिर जिसमें चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो मेरे एंड से इतना ही, बाकी जो रहा आपके लिए, आप ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए, फीडबैक दीजिए, और कुछ दिक्कत होता है डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बी हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, टू बी मोर इन्फॉर्मेटिव वेट फॉर नेक्स्ट संडे एंड हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल।